वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज के ब्लॉग में आपको सुबह से लेकर रात तक की रूटीन दिखाऊंगी। लोग बोल रहे थे आप हेल्पर के बगैर कैसे गुजारा करती हैं। सो मोस्टली सारी खवातीन जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया में हेल्पर के बगैर ही रहती हैं। बना चाय कर रहा है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज मैंने चूल्हा भी साफ किया है और वकास ने फिर दूध उबाल दिया, फिर दोबारा चूल्हा मैंने साफ किया है। अभी मैंने आटा गूंदा है। आटा गूंदने के बाद पता नहीं इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा तेज़ क्यों हो जाती है। ठहरे ये ओके। सो अभी मैंने आटा गूंदा है, पेड़े पल के रखे हुए हैं। नाश्ता इतना लेट हो गया हमारा, 4-5 बज गए, नाश्ता नहीं हो रहा हमारा। ये देखें जी, एक पराठा ऑलरेडी बना लिया है मैंने, वाइट पराठा, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब दूसरा बना रही हूँ, बस माल्टों का जूस भी निकालना है। सारे करो, सारा को करवाना है काम ना। जी आज मैंने कपड़े पैक करने, वो जो गिव अवे करने थे, कितने टाइम से रुके हुए थे ये। सो अभी वकास घर पर है इन दिनों। फिर आपको पता है वकास अब्बू की तरफ भी जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, फिर अपना भी वकास का काम है, तो जिसकी वजह से मेरे पार्सल्स रुक जाते हैं। तो आज वकास ने कहा कि जब मैं बच्चों को स्कूल से पिक करने जाऊँगा तो साथ तुम्हारे पार्सल्स भी दे आऊँगा। सो ये ड्रेस था जो मैंने बुशरा की मेहंदी पे पहना था, ये एक ड्रेस है 3 पीस, फिर ये एक ड्रेस है, ये 2 पीस है शलवार, और इसकी कमीज़ है बहुत ही प्यारी सी, और ये साथ इसके रखा हुआ है। फिर ये एक 3 पीस है, बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है, ये बहुत ही प्यारा है अमन खान का जैसा। ये एक ड्रेस है, इसका शलवार ढूंढती हूँ किधर है, इसकी शलवार भी और दुपट्टा भी आई थिंक। ये 3 पीस जो मैंने सवेरा के वलीम में पहना था, फिर ये वाला 3 पीस, ये मैंने किसी को गिफ्ट किया था, उसने रिसीव ही नहीं किया, ये रिटर्न आ गया। अब इसका एड्रेस चेंज करके भेजूंगी। और एक ये वाला फ्रॉक है, इसके अलावा 2 नमाज की चादरें हैं, एक लड़की की एक चादर और एक लड़की की एक चादर है। इसके अलावा स्किन केयर है, ये एक डब्बा ये रहा, और 2 फेशियल हैं ओप्टोरी ऑर्गेनिक के वो। तो ये बस सारे बस हम पैक करके पर्चियाँ लगाती हूँ इसके अंदर, फिर जिनके पार्सल्स उनको भेज देते हैं। अल्लाह खैर करे, आमीन। जो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पूरे घर की सफाई की है मैंने। ओके, और ये जो छोटे वाले मंगवाए थे ना मोप, वो है। अब इसके अंदर आपने बताया ना हल्की डस्ट हुई हुई है, इसके अंदर मैंने डालना है ये खुशबू के लिए, थोड़ा सा जो फ्लोर वाला हार्पिक होता है ना वो। और उसके बाद जी हम लगाते हैं पूरे घर की, एक ही से ना पूरे घर की लग जाती है, क्योंकि ना ये अच्छा, ये छोटे वाला है, नीचे बड़े वाला है। और मैंने आपको बताया था कि जो बड़े वाला है वो ज़्यादा अच्छा है, ये 1900 का था, वो 2600 समथिंग का था। इसका ना ये ड्राई वाला मसला करता है, थोड़ा सा बाहर निकालना फिर अड़क जाता है। बाकी है ये भी अच्छा, खुशबू इतनी प्यारी आई जैसे मैंने डिप किया है। झाड़ू पहले मैंने सारे घर की लगाई है, बेड शीट्स वगैरह सीधी की हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे कितना मैस बजाते हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि माएँ ना सारी ज़िंदगी बच्चों के खिलौने संभालती रहेंगी, बस मैं कहाँ कहाँ कौन कौन से कोने से खिलौने उठा के लाई मुझको ही पता है बस ये। इसके अलावा ये मैंने गिव अवे वाले पार्सल्स निकाले हैं जो आपको दिखाए थे, तो नीचे से उठा के ना, क्योंकि मैंने पर्चियाँ निकाली हुई हैं सारी, अब बस जाके लीपट के ऑफिस या MNP लीपट MNP जहाँ पे वकास ने कहा वहाँ दे आएंगे। सो ये स्किन केयर निकाल दिए, और इसके अलावा ये मेरा कमरा भी साफ हो गया। ये देखें, ये बस गिव अवे वाले पार्सल्स पड़े हुए हैं जो रात को कपड़े पहने थे, मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ है, इधर नज़र आ जाएगा ये। तो जो रात के कपड़े पहने हुए थे वो वाले हैं। अच्छा, नाइट ड्रेस पूछेंगे सारे, तो ये केलिनिन का है, वेलवेट में आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही कंफर्टेबल है यार, बहुत ज़्यादा वेलवेट में तो ठंड भी नहीं लगती। बाकी आपको पता है ये कर्टन्स वगैरह, बिस्तर, बेड शीट्स, ब्लैंकेट, हर चीज़ जो है मैं केलिनिन से लेती हूँ। और इसका रीज़न बता देती हूँ कि मैं किसी और ब्रांड से क्यों नहीं लेती, ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स, बट केलिनिन वो ब्रांड है जो मेरे साथ स्टार्टिंग से काम कर रहा है। मतलब जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब मुझे इनका फर्स्ट PR आया था, तो जो लोग मेरे टफ टाइम में मेरे साथ खड़े होते हैं मैं उनको कभी भी नहीं भूलती हूँ। सो ये रीज़न है कि ये केलिनिन है, चिल्टन प्योर है, डर्मा शाइन है, MK कॉस्मेटिक्स है, ये वो ब्रांड्स हैं जो स्टार्टिंग से मेरे साथ है। और चीज़ें भी इनकी अच्छी हैं, आप सबको पता है, ये मेरी कंप्लेन सुनते हैं, कभी अल्लाह ना करे गलती से किसी सब्सक्राइबर की कंप्लेन आ जाती है ना, तो मैं एक मैसेज करती हूँ ना, उनका प्रोडक्ट रिटर्न होता है, रिप्लेस करवाती हूँ प्रोडक्ट, कभी पेमेंट वापस करवाती हूँ जो क्लाइंट कहता है, तो मेरी बात भी सुनी जाती है, तो मेरी मुझे बहुत इज्जत भी करते हैं। सो अभी हम लगाते हैं मोपिंग, और वो मोपिंग लगाते हुए मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ है, तो वैसे आपको मैं हल्का सा दिखा देती हूँ। ये देखें, इसकी मोपिंग लगाने का मज़ा ये है ना कि 360 रोटेट करता है ना, तो आराम से किसी भी कोने से, देखें अब डस्ट नजर आई है, ये
तो इस तरीके से खींच के आप इसको बाहर लेके जा सकते हो और कोई लाइनें नहीं पड़ती और खुशबू बड़ी अच्छी आती है अगर आप मोपिंग के अंदर जो फ्लोर ये वाला होता है ना इसको क्या बोलते हैं ऑल पर्पस क्लीनर लेवेंडर में ये ठीक है ये ले लो क्या पता दरास पर अवेलेबल हो लिंक हुआ तो लगा दूंगी ठीक है मैं मोपिंग लगाऊँ फिर आपसे मिलती हूँ। कितना ना साफ सुथरा फ्लोर हो गया आपको नजर आ रहा है ये देखें शाइन चेक कर लो और इतनी प्यारी लेवेंडर की फ्रेगरेंस आ रही है पूरे कमरे से क्या बताऊँ आपको। और इसको क्लीन करना भी बड़ा ईजी है यार मैं समझती छोटा वाला अच्छा नहीं होगा बट अच्छा है छोटा वाला भी जब ना मैंने इसको ड्राई यूज़ किया था ना तो ये चिपक रहा था इसके साथ ना जिसका जिसमें पानी मतलब इसका एक पोर्शन ये है ना जिसमें आप इसको धोते हो ऐसे बस इसकी ये चीज़ मसला कर रही थी उस दिन में ना 360 रोटेट नहीं होता पूरा बस एक तरफ हो रहा दूसरी तरफ हो ही रहा क्या मसला है बस ये एक तरफ रोटेट होता है ऐसे दूसरा वाला था वो दोनों तरफ होता है बाकी ये पोछा लगाने में तो बहुत अच्छा है देख लो ये देखें फुल फुल ड्राई भी हो गया है और जब मैंने इसको लगाया है आप इसकी क्लीनिंग चेक कर लो जो निशान वगैरह होते हैं सारे हट जाते हैं और इसको वाइपर की तरह भी ना आप थोड़े बहुत जो निशान लगे होते हैं वो भी इससे अच्छे से हट जाते हैं बाल वगैरह हर चीज़ इसी के साथ चिपक जाती है क्योंकि ये माइक्रोफाइबर है इतना गंदा हुआ था ना अभी जब मैंने इसको धोया था बाल और हर चीज़ चिपकी हुई थी साथ फिर वो मैंने एज इट इज उठा कर डस्टबिन में डाल दी है और इसको मैंने यूँ धोने के लिए लगा दिया ऐसे ये देखें कितना अच्छा क्लीनिंग हो रहा है सो परफेक्ट यार 1900 रुपये में आती है बकेट छोटी सी मैंने तो वाशरूम्स के अंदर रखी हुई है एक ये वाली मंगवाई है एक बेसमेंट की और एक ग्राउंड फ्लोर की है सो बहुत अच्छी है किसी ने बाय करनी है लिंक लगा दूँगी आप बाय कर सकते हो। अभी नीचे की भी सफाई हो गई है बस सिर्फ मोपिंग नहीं गई है नीचे की बट बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया है सो मैंने कहा चले वहाँ आगे करती हूँ ये मोपिंग यहाँ रखी है सीढ़ियों की भी लगानी है फ्लोर की भी लगानी है फिर बच्चों को ले आए ना स्कूल से बाकी काम फिर करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम आ जाओ पीछे आओ चलो क्या मिला है मैंने इनको लेके दिया अपने पैसे से खर्च किए तस्वीर कहाँ है मैंने घर आते साथ पहली चीज मैंने की है मोपिंग सारे फ्लोर के आपको नजर आ रहा होगा फिर वो मैंने धो के बाहर रख दिया है अब ये पार्सल ऊपर लेके जाना है मुझे ऊपर लेके चलते हैं ब्लॉग एडिट करते हैं अपलोड करती हूँ। अच्छा देखे मेरे 3 हो गए हैं स्कूल से आके फीडर दिए हैं मैंने खाना वगैरह रोटी वगैरह खा के इधर ही हो गए। अच्छा मैं आपको क्या बताने आई थी कि ये पर्पल बेडशीट के बारे में सारे पूछ रहे थे ये ना आई थिंक ये बेडशीट नहीं है कम्फर्टर है तो मैं कभी इसको वैसे सिल्क की बेडशीट साथ यूज़ कर लेती हूँ ओढ़ने के लिए और कभी वैसे बिछा देती हूँ ये ना एक्चुअली गंदी जल्दी नहीं होती तो फिर मैंने इसलिए इसको बिछाया और डार्क कलर है और अच्छा भी लगता है पिंक के साथ ऐसे प्लम का कंट्रास्ट तो फिर मैंने इसे बिछाया और चाहिए कैजल इनका है और कुशंस भी इसके अलावा मेहमान आए हुए थे तो फिर एक्स्ट्रा रज़ाई निकाली थी तो वो भी रखनी है अभी वापस। खाने में मैं बना रही हूँ आज अंडे कोफ्ते और साथ में स्पेगेटी क्योंकि ना चिकन बचा हुआ था तो आपको पता है मैं सालन ज़ाया नहीं करती और आज कैमरा सही से पकड़ा नहीं जा रहा उसका रीज़न दिखाती हूँ मैं अभी कि आज क्योंकि दोनों पोर्शन की सफाई की है ना ऊपर से नीचे ऊपर से जलजला भी आ गया था आज और मेरा ये हाथ कट गया ये बहुत ज़ोर से कटा है मैं छुरी से ना वो आइसक्रीम केक कट कर रही थी ना तो वो छुरी जो है ना हाथ स्लिप होकर पूरी उंगली के अंदर ही घुस गई ब्लड ही रुका था पूरे आधे घंटे बाद जाके अभी मुझे पता नहीं है ब्लड रुका है कि नहीं रुका वकास कह रहे हैं मैं नहा के आता हूँ चेक करता हूँ ब्लड रुक गया है तो ठीक है वरना फिर कुछ और इसका सोल्यूशन निकालते हैं हमने पायोडीन और टेरा माइसिट्रासिन क्या होता है पाउडर सब कुछ कर लिया अभी मैं थोड़े से बर्तन भी रह गए थे मैंने कहा वकास को आप धो दो बर्तन क्योंकि मैंने अब सफाई भी कर ली है कपड़े भी धो लिए हैं और दोनों पोर्शन की सफाई की एक की भी नहीं की है अब बच्चों को ट्यूशन का टाइम हुआ और बच्चे हो गए सो 4 बज गए और 4 बजे इतना अंधेरा हो जाता है सामान में सता जैसे मगरिब हो रही है। ये हो गई है स्पेगेटीज नरम यार मुझे जो दूसरी वाली ये जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है ना मुझे वो अच्छी नहीं लगती पता नहीं क्यों इस तरह जैसे मैदा खा रहे हैं हालांकि है ये भी मैदे की बट वो तो प्योर मैदा लगता है और ये वाली जो है ना ये मुझे अच्छी लगती है मेरे से खाई जाती है ये नहीं मुझे बुरी लगती। आप लोग बताना कि आप लोगों की क्या राय है। चले हमें जितना हो रहा है साथ से काम उतना करूँ जब तक वकास आते हैं क्या कह रही है जान ना तो बुलाद साहब रो रहे हैं सो चुप करा रही है उसको गंडोए अरे हाय खाने की चीज कैसे बोल रहे हो अल्लाह का सॉरी अल्लाह ताला खाने की चीज को गंडोए नहीं बोलते
वैसे खाते ही होंगे लोग। एक अंडे आलू आलू कोफ्ते क्या होता है, अंडे कोफ्ते बनाए। जी जी अल्लाह ताला से सॉरी करो इसको। अच्छा अल्लाह ताला से सॉरी करूं? क्या कह रहा है? ओके सॉरी अल्लाह ताला। कटे कटे हुए हाथों से खाना बनाया। आप क्यों रो रहे हो? अच्छा आज आपकी आपी ने खूनी सेवइयां और खूनी कोफ्ते बनाए हैं, उंगली काट के अपनी पट्टी बांध ली। ये खूनी है। हाँ बस दम लग गया, बहुत शरीर भूख लगी। भूख लगी तो खाओ, बना जो लिया तुम ये पकड़ो, मैं जरा मगर की नमाज पढ़ लूँ। ओके जी बस ये तरी आ जाए थोड़ी इसमें, तो ये हम फिर इसमें ना हरा धनिया का वो कर देंगे छिड़काव ऐसे, बस ढक्कन रख देते हैं तरी आने तक, ठीक है। और स्पेगेटी हो गई थी वो मैंने दम लगा दी है, जो बच्चा बचेगा था ना उसकी स्पेगेटी बना रही है मैं। अब बर्तन एक हाथ से खंगालने की कोशिश करती हूँ, डिश वॉशर में रख दूंगी। तो अगर स्कूल स्टार्ट हो गए ना तो बच्चे मेरे स्कूल से आके सो गए, अब कारी साहब आए सबक पढ़ाए और फिर सो गए। मैंने कहा खिड़की खोलती हूँ, इतनी ठंडी हवा नहीं देखना। मैंने कहा खिड़की खोलती हूँ ना ठंडी या खवाई फिर तुम लोगों को पता चलेगा, ठहर जाओ। बनाज अब ठंडी हवा आ रही है? नहीं आ रही। कैसी आ रही ठंडी हवा? खा रहे हैं जी रोटी, में साथ में स्पेगेटी भी गर्म कर रही हूँ, बहुत मजे की बनी है यार, बहुत ज्यादा। थोड़ी सी रह गई क्योंकि स्पेगेटी आपको पता है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और दूसरी चीजें बनाते भी बिरयानी वाले तरीके से हो ना तो बड़े शौक से खाते हैं। जैसे हम गर्म गर्म बनी थी ना उस टाइम खा ली थी, अब मैं थोड़ा अपने लिए गर्म खा रही हूँ। खाने के टाइम में तो म्यूजिक बंद कर दिया करो ना। तो घर पे आने वाले थे गेस्ट, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सफाई वगैरह भी की आपको नजर, सफाई वगैरह। सो घर पे जो आने वाली है वकास की फूफो, वकास की बहन यानी कि मेरे बच्चों की फूफो, सो ये मैंने बेडशीट्स वगैरह निकाली हैं, टॉवल वगैरह निकाले हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये केले इनके टॉवल सेट हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत से इनके टॉवल सेट होते हैं, एक बड़ा होता है फिर एक छोटा और एक ये फेस और हैंड वगैरह के लिए होता है। पैकिंग आप देखो कितनी खूबसूरत है कि आप गेस्ट को जब गेस्ट रूम में रखते हो तो बड़े खूबसूरत से लगते हैं। अच्छा बेडशीट जो है वो फूफो के लिए निकाली है, फूफो को गिफ्ट दूंगा जब वो जाएंगी वापस। साथ में वाइट वाली बेड शीट्स भी हैं जिससे आपको पूरा होटल वाला लुक आता है। अच्छा एक वेलवेट वाली भी है, तो ये जो है वो मैंने अपने कमरे के लिए निकाली क्योंकि ये ग्रे कलर की है। एंड यू ऑल नो के ग्रे बेडरूम में मेरी कोशिश होती है ग्रे बेडशीट हो। यार इनकी बेडशीट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा इलास्टिक लगा हुआ है जिससे बेडशीट स्लिप नहीं करती है। इसके अलावा जो मैंने बिछाई हुई है ये भी उन्हीं की है, और ना मैंने ना ये भी बिछाया हुआ है आपको दिखाती हूँ, ये मैट्रेस कवर वाटरप्रूफ, जिससे पानी चाय या कोई चीज़ बच्चे गिरा देते हैं तो वो नीचे नहीं जाता। जिनके छोटे बच्चे हैं जो बिस्तर पे पेशाब वगैरह कर देते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि आपके मैट्रेस से स्मेल नहीं आती, मैट्रेस पे दाग नहीं पड़ते, तो वो आपको ये तो धोना बहुत आसान है, मैट्रेस साफ करना बहुत मुश्किल है। सो मैं कैलिन इनके सारे प्रोडक्ट का लिंक लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाके बाय कर सकते हो। आपको कर्टन्स चाहिए, बेडशीट्स चाहिए, रजाई वगैरह चाहिए, और इसके अलावा कुशन्स भी हैं इनके, बहुत ही प्यारे प्यारे वेलवेट के कुशन्स भी हैं, वो भी ले सकते हो। आपको वेलवेट की बेडशीट्स चाहिए, आपको सिल्क की चाहिए, सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा इनका टॉवल भी आया हुआ है माइक्रोफाइबर स्टफ में, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सब चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे, सेल लगी हुई आप लोग बाय कर लो। व्लॉग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसा ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ये जो हम एशियन वुमेन होती है ना, हम वैसे भी सुपर वुमेन होती है, हम घर और बाहर सब संभाल लेते हैं। बस कल जब मेरा हार कटा था मुझे एक चीज समझ में आई थी, एक बीमार औरत पूरा घर संभाल लेती, बट पूरा घर मिलके एक बीमार औरत को नहीं संभाल सकता है ना। नहीं वकास साहब मुझे बर्तन भी धोने नहीं दिए थे कि हाथ कटा हुआ है तुम नहीं धो। सो यार ख्याल रखा करें, जो भी बीवी आए ना वो ख्याल अपना रखना, अपना ख्याल खुद रखवाएं अपने हस्बैंड से, ऐसे नहीं कि अगला बंदा खुद एहसास कर लेगा, ये करवाना पड़ता है यार। और अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं, स्पेशल बेटों को भी जो है वो घर के कामों में इन्वॉल्व करें, और उनको पता हो कि यार अगले की जो बेटी आती है ना वो भी किसी की बेटी ही है और उसको भी इंसान समझना चाहिए। तो ये चीज़ ना हम माएँ डाल सकती हैं हमारे बच्चों के अंदर, नेचुरली नहीं आती बच्चों में, जब वो देखते हैं ना घर में अच्छा मेरे पापा भी हेल्प कर रहे हैं, मामा की तब आएगी उन पर चीज़। और आप लोग जब सिखाएंगे कि बहन की हेल्प करो बेटा जाओ, भाई की हेल्प करो बेटा जाओ, मामा की हेल्प करो बेटा जाओ, पापा की हेल्प करो, तो उससे वो चीज़ उसके अंदर आएगी। सो जो नई जनरेशन की जो माएँ हैं ना मुझ समय, तो ये आप लोगों ने बच्चे तैयार करने, अपने सिर्फ बेटियों को नहीं सिखाना बेटों को भी सिखाना है, ठीक है? और ताकि वो हेल्प करें और अप्रिशिएट किया करें भाई अपने घर के औरतों को भी, मर्दों को भी, जो भी
काम कर रहा है, आपको नजर आ रहा है कि यार ये बंदा कितनी स्ट्रगल कर रहा है, तो उनको बेशक यूट्यूब पे भी नजर आ रहा है ना, कोई मैं नजर आ रही हूँ आप लोगों को, आप अप्रिशिएट क्या करो, एक आपको खूबसूरत सा कॉमेंट ना अगले बंदे को, ऐसे अगले बंदे को ना 10 किलो खून बढ़ जाता है। सो मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब चीजों के लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां जाके बाय कर लेना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज एंड आई लव यू।